अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं दम आलू, तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। डाल रहे हाफ कप ऑयल, रायदाना और एक छोटा चम्मच जीरा। कुछ सेकंड्स के बाद इसमें डाल दें ग्रीन चिली, थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब डालेंगे चॉप ऑनियन, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब इसमें डालें कटे हुए टमाटर और थोड़ा सा मिक्स कर लें। डेढ़ चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर एक चम्मच के करीब, धनिया पाउडर और नमक हसबे ज़रूरत, ये सब इसके अंदर डाल देंगे। और ये है टोमेटो पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल लें और अच्छे से इसकी भुनाई कर लें। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें डाल दें आलू अच्छी तरह से, सारे आलू, और चला लें। हम चूंकि बना रहे हैं शोरबे वाले, इसीलिए हम पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। अगर आप लोगों को ग्रेवी वाले चाहिए तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रख सकते हैं। हम 2 कप पानी डाल रहे हैं क्योंकि हमने शोरबे वाले बनाने हैं, ठीक है। पानी को उबाल आ जाए तब हम इसको दम लगाते हैं। इसे हम लोग तवा रख रहे हैं क्योंकि हमारी गैस बहुत तेज़ आती है। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है तो आप लोग बेशक ना रखें, ठीक है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें अचार डाल लेंगे, फुला लें। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके इसको अच्छे से हिला लें, और इस पे फ्रेश धनिया डाल दें और बंद कर। और जी बस ये हो गया रेडी, ओके। और साथ हम बना रहे हैं इसके बॉयल राइस। अल्हम्दुलिल्लाह दम आलू तैयार है विद सैलड एंड राइस।